जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN की खास बुलेटिन। होली का त्यौहार बहुत करीब है, रंगों का त्यौहार है होली। तरह तरह के रंग गुलाल लगाए जाते हैं, आपसी मतभेद को भुला करके लोगों को गले लगाते हैं, लोगों के साथ अपने मन की सारी पुरानी बातों को दूर करके हम मिलते हैं, दिल से गले मिलते हैं और अपनी सारी पुरानी बातों को भुला कर एक नई शुरुआत करते हैं रिश्ते की। मगर कईयों की होली खराब हो चुकी है और खराब करने के लिए कोई बुरे हालात या बुरे सिचुएशन या कोई बहुत बुरी घटना नहीं हुई है, महज एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसके कारण कईयों की होली खराब हो गई है। चुनावी माहौल है देश में, देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव की सूचना जारी हो चुकी है, देश में आचार संहिता लग चुकी है और लग चुका है कई राजनीतिक लोगों के जीवन में राजनीतिक ग्रहण। राजनीतिक ग्रहण का मतलब है कि उन लोगों के जीवन में फिलहाल राजनीतिक प्रक्रिया इतनी स्पीड से घटित हो रही है कि न्यायालय की जो एक सुनियोजित, एक परंपरागत, एक जो शैली है उसके स्पीड की तुलना में राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो बहुत तेजी से घटित हो रही हैं। इसी का कारण है कि कई लोग न्यायालय में गुहार लगा रहे हैं और अपनी याचिका भी वापस ले रहे हैं। मैं सस्पेंस पर से पर्दा हटाते हुए उन्हीं बातों का जिक्र करने वाला हूं जो आजकल मीडिया में चर्चा का विषय हैं। अगर मैं बात करूं स्थानीय स्तर पर तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की होली तो भाई मनने वाली है जेल में ही, क्योंकि 28 मार्च तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ देश में एक और मुख्यमंत्री, राजधानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें किस प्रकार से नाटकीय घटनाक्रम में ईडी ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका डाली थी, मगर याचिका की सुनवाई से पहले ही उन्होंने याचिका वापस ले ली, क्योंकि घूम फिर के बाद तो वही होना है। हेमंत सोरेन ने भी तो लगाई थी याचिका, लगाई थी गुहार कि कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ। वो ईडी की हिरासत से निकल कर गए और जा कर के जो झारखंड विधानसभा में उन्होंने उनका भाषण दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर चुनौती दी कि अगर मेरे नाम से जमीन का एक भी कागज है तो सामने प्रस्तुत करें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मगर ऐसा कोई कागज फिलहाल प्रस्तुत नहीं किया गया जो सीधे तौर पर उन्हें अपराधी घोषित करता हो। उन्होंने जो जमीन घोटाले की जो घटनाक्रम उनका नाम आ रहा है बार बार, उस पर उनके अपराध को साबित करता हो। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, आज उसी की सुनवाई जब PAMLA कोर्ट में हो रही थी तो उनके असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी के पास में सबूत हैं तो फिर गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने की बात क्यों? अगर सबूत है तो न्यायालय में प्रस्तुत करें, सुनवाई की शुरुआत होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। उन्हें ईडी ने कस्टडी में लेने के लिए 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी, हालांकि 6 दिन की कस्टडी दे दी गई है। केजरीवाल भी अब 28 मार्च को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे और उसके बाद ईडी क्या फिर से उन्हें कस्टडी में लेती है, रिमांड पर लेती है, क्या इस तरह की याचिका डालती है, देखना होगा। मगर एक बात तो स्पष्ट है कि एक प्रकार से अगर जो आरोप लगते रहे हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, इस बात को और ज़्यादा बल मिल गया है। इस बात को बल इसलिए मिल गया क्योंकि जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री हैं उन पर कोई वैसी मजबूत, कोई वैसी सबूत नहीं मिली है, बावजूद उसके उन्हें मुख्यमंत्री रहते गिरफ्तार कर लिया जाता है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राहुल बाबा अलग परेशान हैं कि जितने भी अकाउंट्स थे कांग्रेस के, चाहे वो झारखंड NSUY का अकाउंट हो या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी का अन्य कोई अकाउंट हो जिसके जरिए वो चंदे लेती है, धन एकत्रित करती है, भाई चुनाव है तो खर्चा भी होगा ना, मुफ्त में थोड़ी चुनाव हो जाता है। प्रत्याशी खड़े होते हैं, चुनाव प्रचार होता है, जो भी चुनाव में लोग लगते हैं, जो
बूथ मैनेजमेंट कमेटी होती है, बूथ में जो लोग बैठते हैं जो कि देखते हैं कि भैया जो वोटर्स आए हैं वो लोग वोट देंगे, तो इस समय पैसा खर्च होता है। तो ये जो धन राशि है इसे एक अकाउंट में रखा जाता है जो पार्टी का अकाउंट होता है, मगर उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी अलग परेशान है, अन्य विपक्षी जो लोग हैं उसके जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जेल में डाला जा रहा है, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी कल से कस्टडी में ले लिया गया, रिमांड पर ले लिया गया, रिमांड की अवधि खत्म होगी तो हो सकता उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो देश में कुछ माहौल इस तरह का है कि जो भी केंद्र सरकार की जीत के बाधे में आ सकता है, जो भी केंद्र सरकार के अब की बार 400 पार के रास्ते में रुकावट बन सकता है वो न्यायिक हिरासत में चला जा रहा है। उस पर केंद्रीय एजेंसियों की दबिश बढ़ती है और फिर उसकी गिरफ्तारी होती है और वो जेल में है। आम आदमी पार्टी का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, कई MLA, MP और मिनिस्टर पहले से जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। इस प्रकार से एक तरह से कहें तो जो विपक्षी लोग हैं वो नारा लगा रहे हैं कि भाई ये एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी जो पहले देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था, उसमें उन्होंने घोषणा की थी कि आपातकाल की घोषणा की जाती है, मगर अब की बार तो कोई घोषणा नहीं है, मगर आपातकाल जैसे हालात हैं। इस बात को विपक्षी लोग जो हैं वो इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि देश में जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसको 10 साल हो चुके हैं, वो चुनाव में दूसरी बार आ रही है पूरा कार्यकाल संपूर्ण करके, मगर क्या एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ? क्या जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे सवाल पूछने का एक भी मौका दिया गया? सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, सिर्फ एक तरफा बातें हो रही हैं, मन की बात हो रही है और प्रधानमंत्री सीधा राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से हो या फिर देश की जो राष्ट्रीय मीडिया है उसके माध्यम से हो, मगर कभी भी सवाल पूछने का मौका आज तक किसी को नहीं दिया गया है। और भी कई दिलचस्प बातें हैं जो इसी सरकार में पहली बार हुए। प्रधानमंत्री ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर किसी ने सोशल मीडिया में गलती से कुछ भी लिख दिया उसकी त्वरित गिरफ्तारी होती है। जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उससे जो जुड़े लोग हैं उनकी जहाँ पे राज्यों में सरकारें हैं अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या किसी आपराधिक घटनाओं में लिप्त होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री के जो निजी निर्वाचन क्षेत्र है बनारस, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में एक बालिका के साथ में दुष्कर्म की घटना की बात आती है, मगर उस पर भी कोई उस तरह से कार्रवाई दिखती नहीं है। और इसकी एक वजह है कि जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगाया है उस लड़की ने, वो आरोपी प्रधानमंत्री के साथ में सोशल मीडिया में बगल में खड़ा उन्हें अभिवादन करता नजर आता है। इससे कहीं ना कहीं एक नकारात्मक तरीके का दबाव पड़ता है प्रशासन पे कि अगर इस पे हाथ डालते हैं तो क्या पता ये जो करीबी है देश के सबसे शक्तिशाली जो अभी शासक है उनका, तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा न भुगतना पड़ जाए जो कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे माहौल में देश में चुनाव की सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ी हुई है। देखना है कि आगे जैसे जैसे यह समय बढ़ेगा, जैसे जैसे चुनाव और करीब आएंगे, जैसे जैसे चुनावी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार तेज होगा और क्या कुछ रोचक घटित होता है। आपके लिए फिर से इसी प्रकार के ताज़ा सामाजिक और राजनीतिक अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।